हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना तैयार क्यों हुई है। तो मैं तैयार इसलिए हुई हूँ कि आज फूफो के घर पे दावत, और दावत है कुंडों की। जैसे कि आपको पता है कि आज कुंडे हैं, तो आज कुंडों की दावत है और हम जा रहे हैं अभी बस फूफो के घर पे कुंडे खाने। दावत खाने की है तो कुंडे ही खाने जाएंगे। ठीक है, अच्छा हमको सिखा दिया है। तो यहाँ पे ये मैंने अब्दुल हादी के जो फीडर मंगवाए थे ये भी रेडी कर लिए। तो बस अब जाते हैं और सब चीज़ें रख देते हैं। मेरा हमारा पैक छोड़ो, वहाँ जाके पीना। बैग में रख देती हूँ, सारी चीज़ें हाथी की रखती हैं अब। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपना ओवरऑल लुक भी दिखा दूँ। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस अभी फटाफट से निकलती हूँ मामा के घर पे, क्योंकि फिर मामा और हम लोगों ने साथ ही जाना है। तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पे अपना ओवरऑल लुक दिखा दूँ, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। और यहाँ पे ये मेरा चिंदू मिंदू भी रेडी है। बिल्कुल रेडी हो आप? चलोगे? चलोगे नानी के घर? चलो फिर सबको टाटा करो, फिर चलें। इधर करो ना, हैंड से करो ना, इसको छोड़ो, आप हाथ से करो, हाथ से टाटा करो, दोनों हाथों से करो, दोनों हाथों से टाटा करो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब्दुल हादी भी बिल्कुल रेडी है। जो चीजें रखनी थी वो भी मैंने आपके सामने भी रखती हैं। तो बस अब खत्म। पहले आप इस गंदे बच्चे को देखो, ये गंदा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये गंदा बच्चा? चीज खा रहा है गंदा बच्चा? इसमें चीज तो है ही नहीं। कौन सी चीज है दिखाओ, इस बॉक्स में क्या है? अच्छा, ये स्लैंटी भी इसमें से निकाल ली। चलो जल्दी से आ जाओ, चले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मामा के घर पे, और आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है और कितना अच्छा व्यू हो रहा है। खैर बस अब मामा ले रेडी होंगे तो फिर हम निकलेंगे। तो जी फाइनली यहाँ पे मामा वाले भी तैयार हो गए थे और अब हम बस निकल रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है यहाँ पर। एक तो मैं पहले घर से इतनी लेट हो गई, और आप यहाँ पे ट्रैफिक देखें, कितना ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ना यहाँ गुजरने की जगह है, ना वहाँ गाड़ियाँ, रिक्शे और ये क्या खोता गाड़ियाँ, सब भरी पड़ी है। मतलब हैदराबाद में भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है ना कि मैं कहती हूँ पैदल चलने वाले बंदे को भी रहते हैं वो जगह नहीं मिलती यहाँ से गुजरने की। तो फाइनली इतनी रश के बाद हम फूफो के घर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दही बड़े और ये जो कुंडों की टिक्कियाँ बनी हुई थी ये बने हुए हैं यहाँ पर। और आपने हाथी को पीछे देखा कि किस तरह वो पहले ही बैठ गया था कि मुझे डाल दो। तो अभी बस चुपचाप खाते हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर हो गया है हमारा खाना पीना। उसके बाद ले आई है फूफो यहाँ पर चाय, और चाय के साथ ही ये केक स्लाइस। लेकिन अब्दुल हादी केक स्लाइस की प्लेट उठाई और हो गया है फुर, और अब हम इससे मांग रहे हैं। तो लेकिन ये हमारे को यहाँ पर दे नहीं रहा था, तो हमने खैर इसकी काफ़ी मिनते छिनते की, इसको काफ़ी लारे लप्पे दिए, लेकिन फिर भी ये बाज ना आया। बहुत तेज हो रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे हम फूफो के घर से आ गए हैं घर, और घर आते ही अब्दुल हादी सो गया है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे मस्तियाँ की और इसकी आदत है शाम में सोने की, तो ये जाने की वजह से सो नहीं पाया। तो अभी यहाँ पे अब्दुल हादी सो गया है, देखिए कब उठता है। तो आप मम्मा के लिए आइसक्रीम लाए हो? चेक कराओ, मम्मा के लिए लाए हो? दिखाओ तो सही, अपनी बाइक में लगा के दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। वाह, मम्मा के लिए लाए हो? तुम दोनों इधर क्यों आ गए हो? तुम बना रहे हो इसको? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जी यहाँ पे हादी सोकर जब उठ के आता तो फिर अपने बाबा के साथ बाहर चला गया था राउंड मारने, और वहाँ से चक्कर लगा कि ये अब्दुल हादी अपने साथ आइसक्रीम लेकर आया था। लेकिन जैसा आपने देखा कि हादी दे ही नहीं रहा था, नहीं नहीं कर रहा था, और आइसक्रीम यहाँ पे पिघल रही थी। तो फाइनली फिर उसके बाबा ने उसको मनाया और आइसक्रीम हमारे हाथ लग गई। तो अब जल्दी से आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद मैं घर जाती हूँ, ठीक है, फिर आपको वहाँ जाके अपडेट करती हूँ। ओके okay.
ओके जी, तो यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद कपड़े चेंज किए, अब्दुल्हादी की फीडर वगैरह बनाई और बिस्तर वगैरह अपना साफ़ किया। तो फिर उसके बाद मुझे भूख लगी थी और यहाँ पे टाइम 2:30 बज रहे थे आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है और पिज़्ज़ा बहुत ही लजीज है। बस पिज़्ज़ा खाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी, अब कुछ भी नहीं करूंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जी ये अगले दिन का व्लॉग है और यहाँ पे अभी रात हो गई है, 10:30 बज रहे हैं और ये 10:30 बजे का टाइम है। और आज एक मिलाद की दावत थी फैमिली फ्रेंड्स में, तो अभी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं आए, तो अभी मिलाद स्टार्ट नहीं हुई। तो जब मेहमान आएंगे तो शायद तभी मिलाद स्टार्ट होगी, तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक मिलाद स्टार्ट हो। तो जी फाइनली सारे मेहमान वगैरह आ चुके हैं और यहाँ पर मिलाद स्टार्ट हो चुकी है और अब चुपचाप बस मिलाद सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलाद स्टार्ट हो गई थी और मिलाद तकरीबन यहाँ पर 2 बजे ख़त्म हुई थी, तो रात काफ़ी हो गई थी। काफ़ी अच्छी मिलाद पढ़ी, पढ़ने वालों ने महफिल के अंदर 4 चांद लगा दिए थे और बहुत अच्छी मिलाद हुई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक एंड कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।